हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है आशीष। तो आज की जो ये वीडियो है, ये है रिगार्डिंग द टॉपिक हिल स्टार्ट असिस्ट एंड हिल होल्ड। तो आई एम श्योर इन दो फीचर्स के बारे में आपने काफी सुना होगा। अगर आप इन दो फीचर्स के बारे में ऑलरेडी जानते हैं, इनको कैसे यूटिलाइज करना है, कैसे यूज करना है, तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। ये वीडियो उनके लिए है जो इन दो फीचर्स के बारे में नहीं जानते, जिनकी पहली गाड़ी है और जिनके पास गाड़ियां हैं उनमें ये फीचर्स हैं, बट दे आर नॉट अवेयर अबाउट दीज फीचर्स। तो ये स्पेशली वीडियो उनके लिए है। तो आज इस वीडियो के थ्रू मैं आपको बताऊंगा कि जो गाड़ियों में हिल स्टार्ट असिस्ट एंड हिल होल्ड का जो फीचर दिया जाता है, इसको कैसे यूज करना है, किन लोगों के लिए यूजफुल है, और ये फीचर्स कहाँ पे आप यूज कर सकते हैं, इनको एक्टिवेट कैसे करना है, डीएक्टिवेट कैसे करना है, ये सारी बातें मैं इस वीडियो के थ्रू आपको बताने वाला हूं। तो अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन भी दबा दें, ताकि इंस्टेंट नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच पाए जब भी मैं कोई वीडियोस डालूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हिल स्टार्ट असिस्ट के बारे में। तो ये जो फीचर है, ये ऑलमोस्ट आजकल सभी गाड़ियों में आ रहा है, 10 लाख एंड अबव एटलीस्ट। तो 10 लाख से ऊपर की गाड़ियों में आपको ये फीचर देखने को मिल जाएगा, हिल स्टार्ट असिस्ट। तो अब ये फीचर क्या होता है, मैं आपको बताता हूं कि जब भी आप अपनी गाड़ी को पहाड़ी वगैरह पे ड्राइव करते हैं, एंड स्पेशली ये जो फीचर है उन लोगों के लिए ज्यादा काम की चीज है जिन लोगों ने अभी अभी गाड़ी चलानी सीखी है, और उनको क्लच, ब्रेक एंड एक्सकेलेटर पे जब इनको मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे में कभी कभी जब फ्लायर वगैरह पे वो लोग ड्राइव करते हैं और सामने की ओर अगर गाड़ी आ जाती है तो उनको रुकना पड़ जाता है। तो जब उनको वापस से पिकअप करनी पड़ती है अपनी गाड़ी, तो उनको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। कभी उनकी गाड़ी बंद हो जाती है या सडन एक्सेलरेशन वो लोग दे देते हैं। तो ऐसे में जो है, आजकल जो गाड़ियां आपको मैंने बताया कि हिल स्टार्ट असिस्ट का फीचर मिल जाता है, तो इसके अंदर बेसिकली क्या होता है, अगर आपकी गाड़ी में हिल स्टार्ट असिस्ट का फीचर एक्टिवेटेड है, तो जब भी आपकी गाड़ी पहाड़ी पे या ऐसे फ्लायर पे ऊपर जाती है और आपका हिल स्टार्ट का फीचर एक्टिवेटेड है, तो आप जैसे ही ब्रेक से पांव हटाते हैं तो आपकी गाड़ी जो है पीछे नहीं आती है 3 सेकंड तक। ठीक है, तो आपकी गाड़ी 3 सेकंड तक पीछे नहीं आती है। आपको एटलीस्ट टाइम मिल जाता है कि आप ब्रेक से पांव हटा के, आप रेस पे पांव देके गाड़ी को आगे बढ़ा सकते हैं। तो ये तो हो गया हिल स्टार्ट असिस्ट। तो ये केवल जो फीचर है ये ऊपर की ओर ही काम करता है, मतलब जब आप गाड़ी को जो है ऊपर फ्लाईओवर वगैरह पे लेके जा रहे हैं या पहाड़ी की ओर लेके जा रहे हैं तभी ये काम करेगा। मगर आप अगर गाड़ी को जो है नीचे की ओर लेकर आ रहे हैं तो ये फीचर काम नहीं करता है। ठीक है, तो ये तो हो गया हिल स्टार्ट असिस्ट। अब मैं आपको बताता हूँ हिल होल्ड क्या होता है। तो काफी गाड़ियों में जो है, जो स्पेशली एक्सपेंसिव कार्स होती हैं, उनके अंदर आपको ये हिल होल्ड का फीचर भी देखने को मिल जाता है। तो इनमें डेडिकेटेड बटन होता है जिसमें अगर आप जिसको प्रेस कर देंगे तो आपकी गाड़ी जो है वहीं खड़ी रहेगी, अगर आप ब्रेक से भी पांव हटा देंगे तो आपकी गाड़ी पीछे नहीं आएगी। ठीक है, जब तक आप रेस देकर गाड़ी को आगे नहीं बढ़ाते। तो ये स्पेशली जो है एक्सपेंसिव कार्स में आपको देखने को मिल जाएगा, BMW, ऑडी या 20-25 लाख से जो ऊपर की गाड़ियां होती हैं उनमें आपको ये फीचर देखने को मिल जाता है। तो मैं आपको प्रैक्टिकली भी करके दिखाता हूं कि किस तरह से आप जो है इन फीचर्स को यूज कर सकते हैं, स्पेशली हिल स्टार्ट असिस्ट के फीचर को, बिकॉज मेरे पास अभी फोर्ड इको स्पोर्ट है जिसके अंदर हिल स्टार्ट असिस्ट का फीचर आता है। तो इसको कैसे एक्टिवेट करना है, डीएक्टिवेट करना है, वो इंस्ट्रक्शंस भी मैं आपको इस वीडियो के थ्रू बता दूंगा। ठीक है, तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट मी जस्ट शो यू हाउ यू कैन यूज द हिल स्टार्ट असिस्ट फीचर इन योर प्रैक्टिकली डे टू डे कंडीशंस। चलिए तो मैं आपको करके दिखाता हूं। तो सामने की ओर देखिए, थोड़ी सी ऊंचाई सी है, तो अब मैं आपको दिखाता हूं। मैंने गाड़ी को फॉर एग्जांपल ऊपर लाके ऐसे छोड़ दिया है, तो आप देख सकते हैं मेरी गाड़ी जो है थोड़ी सी ऊंचाई पर है, यहां पर देख सकते हैं आप। ठीक है, तो अब जो है मैंने अभी अपनी क्लच दबा रखी है और ब्रेक दोनों दबा रखी है। अब ऐसे में जो है मैं ब्रेक से पैर हटाता हूं और गाड़ी अभी गियर पे ही है, चाहूं तो मैं इसको न्यूट्रल पे भी कर दूं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मान लीजिए गियर पे भी गाड़ी है और अब मैं जो है ब्रेक से पैर हटा रहा हूं। ये देखिए, मैंने ब्रेक से जो है यहां से पैर हटा दिया, तो अब देखिए गाड़ी पीछे नहीं आ रही है। अब आइए गाड़ी पीछे। ठीक है, तो ये गाड़ी जो है 3 सेकंड तक आपको डिले मिल जाता है कि आपकी गाड़ी पीछे नहीं आती है। तो ये होता है हिल असिस्ट का फीचर। तो स्पेशली न्यू ड्राइवर्स हो गए या जो ओल्ड ड्राइवर्स भी होते हैं जो पहाड़ियों वगैरह पे ड्राइव करते हैं, तो आपको टाइम मिल जाता है कि आप अपनी ब्रेक से पैर हटाकर
मतलब ब्रेक से पैर हटाकर आप रेस पे पांव रख सकते हैं, 3 सेकंड का आपको डिले मिल जाएगा। तो ये काफी बेहतरीन फीचर है जो कि आपको इस तरह की गाड़ियों में देखने को मिल जाता है। आप अगर चाहते हैं इसको डीएक्टिवेट भी करना तो वो भी आप कर सकते हैं। फोर्ड इको स्पोर्ट में ये फीचर अवेलेबल है, तो उसके लिए आपको यहाँ पर ड्राइवर असिस्टेंस पे जाना है और यहाँ पे जो पहला ऑप्शन आप देख रहे हैं हिल स्टार्ट असिस्ट का, आपको इसको अनचेक कर देना है। तो जब आप इसको अनचेक कर देंगे तो मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो अब देखिए मैं गाड़ी को ऊपर लेके जा रहा हूँ, तो ये मैं गाड़ी को दोबारा से ऊपर ले आया हूँ, ठीक है। अब ऐसे में जो आप देखिएगा, मैं जैसे ही पैर हटाऊंगा, ये देखिए मैं पैर हटाया, इमीडिएटली जो है गाड़ी पीछे आ गई है। तो आपने देखा, तो बेसिकली इस तरह से जो है हिल असिस्ट फीचर काम करता है इन गाड़ियों में। तो आप अपनी मर्जी के हिसाब से, अगर आपको लगता है कि आपको फीचर नहीं चाहिए, आप इसको डीएक्टिवेट कर सकते हैं। बट मेरे को ये पर्सनली बहुत पसंद है, तो इसको मैं हमेशा जो है एक्टिवेट ही रहने देता हूं। तो ये तो हो गया फीचर हिल असिस्ट का। अब आता है हिल होल्ड का फीचर, वो क्या होता है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि हिल असिस्ट के फीचर में आपकी गाड़ी जो है 3 सेकंड तक आपको डिले मिल जाता है और उसके बाद आपकी गाड़ी पीछे आती है। मगर हिल होल्ड में क्या होता है, हिल होल्ड जो फीचर होता है वो आपकी गाड़ी जब भी ऊपर ऐसे पहाड़ी पे जाएगी, आपने वो हिल होल्ड का बटन प्रेस करना है, तो उसके बाद आपकी गाड़ी वहीं खड़ी रहती है। मतलब वो पीछे नहीं आती है, चाहे आप ब्रेक से पैर भी हटा लें, वो पीछे नहीं आती है। तो ये होता है हिल होल्ड, जो कि एडवांस गाड़ियों में आपको देखने को मिल जाता है। BMW ऑडीज वगैरह में ये आपको फीचर देखने को मिल जाएगा, ठीक है, काफ़ी एडवांस फीचर होता है। बट एटलीस्ट ये जो गाड़ियां हैं हमको हिल असिस्ट का फीचर दे रही हैं, जो कि काफ़ी बेहतरीन है। 3 सेकंड सफिशियंट गुड इनफ रहते हैं इस तरह की, मतलब आप पहाड़ी वगैरह पर ड्राइव करते हैं, तो काफ़ी यूजफुल ये फीचर है मेरे हिसाब से। हे गाइस, वेलकम बैक। तो ये थी मेरी एक छोटी सी वीडियो ऑन द फीचर ऑफ हिल स्टार्ट असिस्ट एंड द कंपैरिजन विद द हिल होल्ड। आई एम श्योर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज यार थम्स अप जरूर दे देना, एंड एज आई सजेस्टेड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज। थैंक यू सो मच।